नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो इसमें हम लोग अभी तक आपकी कक्षा छठवीं की जो हमारे लिए ज़रूरी है बुक्स, उनके बारे में बात कर चुके हैं। कक्षा सातवीं की भी और कक्षा आठवीं की जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। और कक्षा नौवीं में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कक्षा नौवीं की हम लोग एक बुक देख चुके हैं, उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, ठीक है। आज से हम शुरू करने वाले हैं समकालीन भारत फर्स्ट। ये आपकी कक्षा नौवीं की दूसरी बुक है, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट, कक्षा नौवीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। याद रखिए, जो भी आप खरीदेंगे या डाउनलोड करेंगे तो उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहेगा समकालीन भारत फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें आखिर पढ़ना हमें क्या क्या है, यानी कि विषय सूची देख लेते हैं। एक बात हमेशा याद आप लोग रखिए, जो इस गलत फहमी में जी रहे हैं वो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल लें कि बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ उखड़ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस, हो सकता है स्टेट पीसीएस आप निकाल दें, लेकिन सिविल सर्विस बिना एनसीईआरटी के नहीं निकलेगा। इसलिए बेहतर है कि अभी से पढ़ लें, ठीक है, टाइम रहते हुए। और वैसे भी अगर आप, मुझे तो लगता है आप भारत में रह रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी सबको पढ़ना चाहिए, सबको इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं भारत का संविधान है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों, युक्तियुक्त निर्वर्धन के अधीन द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार देख लेते हैं, क्या हमारे मूल अधिकार है। उसके बाद हम लोग इस किताब में क्या पढ़ना है हमें विषय वस्तु देख लेंगे, ठीक है। समता का अधिकार, विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन के विषय में अस्पष्टता और उपाधियों का अंत, जो आपका समता का अधिकार है, ए आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक शामिल है, ठीक है। फिर स्वतंत्र अधिकार में आपका 19, 20, 21, 21 और 22, इसमें आपका अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वित्तीय का स्वातंत्र, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आर्टिकल 23 और 24 है, इससे संबंधित मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का इति से, परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का इति से। फिर आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपका आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता, राजनीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा और संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। एक बात आप लोगों को बता दें, जस्ट जो हम लोगों ने कक्षा नौवीं की पहली बुक देखी है अभी कुछ ही टाइम पहले, इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, इसमें सब कुछ बताया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको विस्तार से जानने की इच्छा है, रुचि है आपकी मैं कि विस्तार से सब कुछ अधिकार जाने, तो उस किताब को आप लोग पढ़ लें जो हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चरों में बात की है उसके बारे में, ठीक है, वहां जाकर देख लें। फिर आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों की को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषय हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन,
29-30 में है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देशों या फिर आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को विवर्तित कराने का उच्चार, यानी कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं इसके, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जो भी एनसीईआरटी है कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो आपके लिए जरूरी है, उन सभी के लेक्चर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, वो आपकी प्लेलिस्ट सूची है एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से, ठीक है। उसी में सब लेक्चर पड़े हुए हैं चैप्टर बाई चैप्टर आपके। भारत का संविधान उद्देशिका, जो आपका भारत का संविधान पूरा उद्देशिका के आसपास ही घूमता फिरता है, मतलब उद्देशिका में ही समाहित है पूरा मेन उद्देश्य उसका, ठीक है, इसीलिए उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित कर दें। इसका मतलब पता है आपको, कुछ प्रावधान तो आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से आपका संविधान लागू हुआ, ठीक है। ये आपकी विषय वस्तु देख लीजिए, इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है। अध्याय एक में आप पढ़ेंगे भारत, इसकी आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरे अध्याय में बात करेंगे अपवाय। अध्याय चार में बात करेंगे जलवायु के बारे में। अध्याय पांच में बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में और अध्याय छह में बात करेंगे जनसंख्या के बारे में, ठीक है। अध्याय पहला क्या होगा हमारा, भारत, इसकी आकार देखेंगे और स्थिति देखेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप भी देखेंगे, अपवाय देखेंगे, जलवायु देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी भी देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे भारत की, ठीक है। इस बुक्स में हम लोग देखिए, हम लोगों ने भारत अपने मूल अधिकार भी देख लिए, ठीक है, अब अपने मौलिक कर्तव्य भी देख लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई हमारे ऊपर 10 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक, तो हमारा हक बनता है कि 2 रुपये हम भी उसके ऊपर खर्च करें, यानी कि कोई हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है तो ये हमारा कर्तव्य है कि उसका भरोसा बनाए रखें, तोड़े नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि मौलिक कर्तव्य हुए आपके ऊपर निर्भर आपका कर्तव्य, ठीक, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाग चार एक, भाग चार का में नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में सम्मिलित है। मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। धर्म, भाषा और विदेश या फिर वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन हो गया आपकी झील नदी वन्य जीव, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाली अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह है आपके मौलिक कर्तव्य। देखिए आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। मैंने क्या बोला, हमेशा मेरा मानना रहा है पर्सनल, कि अगर आप अपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों से परिचित हो गए तो देश की हमारे देश की 80 से 85% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब भी हम हिंसा करते हैं तो सबसे पहले सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं। ये गलत है भाई, नहीं है गलत। अगर कहीं भी आपने देखा होगा कि आप अपने अधिकारों के लिए कहीं लड़ने लगते हैं कि हमारा ये अधिकार है, अपना मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं। ठीक, तो इन दोनों को इसीलिए मैं बोलता हूं मैं सर, कि आपको मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जानना चाहिए बहुत अच्छे से हो। तो चलिए, थी आपका एक विषय वस्तु कि हम इस बुक में पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट चैप्टर इसमें बात करेंगे हम लोग भारत आकार और स्थिति के बारे में। इसके